नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम साउथ छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल के पास हैं। हम यहां पर रुके हैं जिस रिजॉर्ट में, ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म की प्रॉपर्टी है। काफ़ी बड़ी ये जगह है लेकिन एकोमोडेशन यहाँ पर लिमिटेड है। हम ना देखिए यहाँ पर इस रूम में रुके थे और इस तरफ कुछ कॉटेजेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना। अब खास बात बताता हूँ जहाँ पर हम रुके हैं व्यू की। कुछ देर पहले मैं रूम के अंदर से वाटरफॉल देख रहा था। सोचो आप, रूम के अंदर ही हो और वहाँ से आपको इतना खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहा है तो कितना सही लग रहा हो। और उसके बाद मैं थोड़ा बैल्कनी की तरफ गया तो बैल्कनी से भी मेरे को फॉल का व्यू क्लियर दिखाई दिया। ये देखिए जी, बनाने वाले की क्या क्रिएटिविटी है। ये गेट सा बनाया हुआ और गेट के ऊपर ऐसा बोट और एक बंदा बैठ के, जैसे बोट चलाने का एक्शन होता है ना, बोट रो करने का एक्शन, ब्यूटीफुल। आइए जी, आपको मैं फॉल एक बार यहां से दिखाता हूं जहां पर हम जाने वाले हैं। ये है जी खूबसूरत नजारा जिसको देखने लोग दुनिया भर से यहां पे आते हैं। आओ थोड़ा नजदीक चलते हैं। अब सीन ये है, अभी मार्च का महीना है तो पानी आपको जो जिस लेवल पे दिख रहा है ना, ये पीक का 30% है। तो आप अंदाजा लगा लो पीक कैसा होगा। इस समय हम नीचे चल के वहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं और फॉल को एकदम सामने से देख सकते हैं। लेकिन अगर जुलाई अगस्त का टाइम रहेगा तो नीचे जाके बोटिंग नहीं की जा सकती, आपको ऊपर से ही फॉल देखना होगा। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ खड़े होके। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ये कॉटेजेस हैं, कॉटेज का बी साइड देख लो, सामने रूम, हम यहाँ पे रुके थे। आइए जी, थोड़ा वॉक करते करते वॉटरफॉल तक चलेंगे। जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं उसका नाम है डंडामी लग्जरी रिजॉर्ट। इसके ही बगल में इंद्रावती विश्राम गृह, ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है। सामने देख रहे हैं ना ब्लैक कलर गेट, हमको यहां से जाना है। क्या बात है, वाटर व्यू! मैंने अपनी लाइफ में ऐसा वाटरफॉल कभी नहीं देखा जहां पर ऐसा व्यू हो कि हम किस एंगल से, आप देखो फॉल को देख रहे हैं, बहुत सारा पानी यहां से आ रहा है और वहां से कितना पानी आ रहा है और गदर गदर मजा आ गया। आपकी जानकारी के लिए इंद्रावती नदी है जो आप ऊपर भी देख रहे हैं और नीचे इंद्रावती का पानी ही है। सो कूल, सो कूल। वैसे वाटरफॉल का जब भी जिक्र होता है ना, मेरे को एकदम से ख्याल आता है वो वाटरफॉल जो हमने नॉर्थ सिक्किम में देखे थे, वो बहुत गजब थे। ये एक अलग चीज है। वहां तो क्या, हम फॉल तक गए थे और फॉल के नीचे खड़े हो गए थे। सोचो मतलब पानी ऊपर आ रहा था, और यहाँ एक एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट किस्म का है। मैंने आपको बताया ना, लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं तो सोचो किस लेवल पे इस वाटरफॉल की पॉपुलैरिटी है। मैंने चित्रकूट बोला, ये फॉल को प्रोनाउंस करते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। अब क्या करेंगे अपन, वहाँ से घूम के ना उस तरफ तक चलते हैं और नदी के बहाव को देखते हैं बहाव कैसा है। आइए जी, लो जी हम नदी के पास पहुंच गए। ये देख लो आप सामने इंद्रावती नदी, मैंने आपको बताया ये पूरा जो प्लेटो एरिया है ना जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहां मैं नजदीक से आके ये देखना चाहता था कि नदी की विड्थ क्या है, मतलब इस एरिया में। वो मैंने देख के आइडिया लगा लिया है। कुछ लोग तो देखो वहां पे नहा रहे हैं, ये सब गाँव के लोग हैं, और कुछ 5-7 लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इस प्रकार के नेचर का आदमी, इतना शौकीन हो और बहुत टाइम लेके आया हो, तो पूरा दिन भी यहाँ बैठे रहोगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा। जैसे अभी हमें देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली आए हुए 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, मैं 1 घंटा भी कम बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा हो चुका है, और मन हो रहा है कुछ ना करें, एक चट्टान पर बैठ जाएँ और सिर पर टोपी पहन लें और गॉगल्स लगा कर, जैसे कि सूरज की किरणें सीधी आंखों में डायरेक्ट ना पड़े और बार बार इसी व्यू को देखें। एक काम करेंगे, 5-10 मिनट यहाँ रुकते हैं, फिर हम घूम कर वहाँ जाते हैं। उधर देखो सामने बोट्स खड़ी है ना, उधर चल के बोटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं कि बोटिंग कैसे होगी। हमें 15-20 मिनट का टाइम लगा ऊपर से पैदल चलकर
सामने तक आए, फिर कुछ 200-225 सीढ़ी थी वो उतर के हम बोट जहाँ बोटिंग पॉइंट है ना वहाँ तक आ गए। अब हम बोट पे बैठ गए हैं, 50 रुपये पर पर्सन चार्ज है। और देखिए जी, अब हम वाटरफॉल को सामने से देखने वाले, देख ही रहे हैं। देखो जी क्या खूबसूरत व्यू है। अच्छा एक चीज़ देखो, वो लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं, फॉल के एकदम पास से बोट निकल रही है ऊपर से पानी, और सबके हाथ में मोबाइल वीडियो बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, और ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं जैसे हम थोड़ी देर पहले ऊपर खड़े थे ना हम लोग ना, लेकिन उतना पास नहीं जाएंगे क्योंकि कैमरा भी बिक जाएगा, माइक्रोफोन भी बिक जाएगा और ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से खड़े होकर देखेंगे। लेकिन आप देखो ना वो लोग क्या कितनी पास जा रहे हैं और सब भीग गए हैं। अरे हम लोग तो पानी के पास नहीं गए, कैसा था वाजे? बहुत अच्छा था। अरे वाह, अरे वो कैमरा भीग जाएगा इसलिए नहीं गए हम वहाँ पे। लेकिन आप लोग पानी के कितने पास तक थे? बहुत पास। अच्छा जी, हाँ कैमरा छोड़ के कहाँ जाए, कैमरा पानी में कहाँ रहेगा। वैसे इस फॉल का जो कंपैरिजन लोग करते हैं ना वो नायगरा फॉल्स के साथ करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का नायगरा फॉल्स। ये जो आप खाली साइड अभी देख रहे हो, यहाँ पर भी पानी हो जाता है अगर आप अगस्त सितंबर में आएंगे तो, मतलब बरसात के दिनों आएंगे ना, बरसात के टाइम आएंगे तो ये पूरे जो फॉल की लंबाई है, मतलब पूरा एरिया विड्थ कह सकते हैं, ये 300 फीट तक जाती है और जो हाइट है वो लगभग 90 फीट है। सही है। चलो हम लोग अभी बोट एंडिंग पॉइंट तक आ चुके हैं, कुछ लोग वहाँ वेट कर रहे हैं कि बोट वापस आए तो अगली जर्नी वो करें। सही है। अब यहाँ से हम 15-20 मिनट लगा के ऊपर चलते हैं और उसके बाद आगे घूमने चलेंगे। हम चित्रकोट वाटरफॉल से चले नारायणपाल मंदिर जाने के लिए, ये लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र है। तो अभी हम मिडवे ही पहुंचे हैं, तो यहाँ पर ना मैंने एक ब्रिज देखा और गाड़ी को रोका है। लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर आगे ना दो नदियों का संगम हो रहा है। एक नदी है इंद्रावती नदी, हमने कुछ देर पहले भी वाटरफॉल के पास आपको बताया था कि ये छत्तीसगढ़ की एक मेन रिवर है, और दूसरी नदी है नारंगी नदी। तो यहाँ पर नारंगी इंद्रावती को मिलती है और इंद्रावती आगे चलकर गोदावरी को मिलती है, और गोदावरी ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, और इंद्रावती वैसे आ रही है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। भले हमें संगम बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ से नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए तो अच्छा लग रहा है। मेन अट्रैक्शन क्या है इस जगह की, जगह की अट्रैक्शन मतलब मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए शान थमासा पानी है और ट्रैफिक भी कोई खास नहीं है, 30-40 सेकंड में कोई एक स्कूटर मोटरसाइकिल या ट्रक निकलता है। गुड सराउंडिंग्स आप देख लीजिए। चलिए नारायणपाल मंदिर के पास चलकर हमने लंच करेंगे, हमने किसी को लंच के लिए बोला हुआ है, और उसके बाद टेंपल विजिट करेंगे। आइए जी। हम नारायणपाल गांव पहुंच चुके हैं, यहां पर हम ना लोकल बस्तर का खाना खाने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? धनुर्जय बघेल। धनुर्जय बघेल, वेरी गुड। तो आपकी ये टी शर्ट पे लिखा हुआ है आमचो बस्तर। जी सर। तो आप और आपके साथ कोई टीम है जो खाना बनाती है? जी सर, हम लोग के यहाँ टीम है। टीम है, हाँ। आइए जी। लोकल फूड बनाते हैं। तो घर कहाँ पर है? घर ही सर, सामने। अच्छा यही घर है, आओ जी। अच्छा जिला प्रशासन ने आपको ट्रेनिंग दी है कि जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर लोकल फूड टूरिस्ट को मिले जी। तो जैसे आप यहाँ पर हो, ऐसा हर टूरिस्ट पॉइंट के 2-5 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई है जी। सही है। तो ये ट्रेनिंग आपको किसने दी? सर आर्य प्रेरणा समिति। आर्य प्रेरणा समिति जी। अच्छा तो दोस्त एक तो मैं शूज उतार के हाथ धो लेता हूँ, फिर मुझे आप बताओ खाने में आपने क्या क्या बनाया, और फिर समझेंगे बस्तर के भोजन कैसा होता है। पर धो लेते हैं। अरे बड़े मुर्गी है आपके पास? जी सर। मुझे पहले भी किसी ने बोला था कि बस्तर की जो मुर्गा लड़ाई है बहुत ज़्यादा आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, स्पेशली कहाँ कुछ मेला लगता है वहाँ होती है ना? जी सर। तो आपका ये जब बड़ा हो जाएगा
तो मुर्गा लड़ाई में? जी सर, इसको मुर्गा लड़ाई में ले जाया जाता है। लेके जाया जाता है। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। बस बस बस, मैं धनुर्जय के साथ इनकी बाड़ी देखने आ गया। देखिए ये लाल भाजी है, इन्होंने इसकी सब्जी बनाई है। इसकी भी सब्जी बनती है? जी सर। क्या बोलते हैं इसको? इसको खट्टा भाजी, और हम लोग देसी में भेंडा बोलते हैं। खट्टा भाजी और आप लोग इसको देसी में भेंडा बोलते हैं जी। और ये धनिया? अच्छा, और वो पीछे क्या? कोचई? जी सर। कोचई वो अरबी का पत्ता? जी सर। हमने कल खाया था, क्या बोलते हैं उसको, साग घोड़ा? हाँ, साग घोड़ा। अरबी का पत्ता दाल मिक्स करके फ्राई करके? हाँ, लिपटने उसके बाद। कल हमने खाया था, सही है। तो खाना तो रेडी है ना? जी सर रेडी। आओ चलते हैं गाँव का। आप घर भी देख लो, टाइल्स कैसी दिख रही हैं। जब भी मैं इस प्रकार की टाइल देखता हूँ ना, तो मेरे को मैंगलोर टाइल्स की याद आ जाती है। ऐसी होती है मैंगलोर टाइल्स, और ये अक्सर यहाँ पर आप बस्तर में, गांव में, किधर भी चले जाओ, ऐसे घर देखने को मिलेंगे। आपने मुझे बताया ये पपीते की सब्जी है, आमट, दाल, लाल भाजी, साथ में राइस। बड़े आपने सही ढंग से हमको सर्व किया है। आमट मुझे बताया कि चावल को भिगो के पीसा जाता है, उसके बाद उसको गर्म पानी में डालते हैं, और साथ में उसमें इमली ऐड करते हो? जी सर। और पानी? इमली, पानी और चने। ये चने हैं, आमट में डाल के बनाया जाता है। रंग इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें हल्दी है। एक बात बताऊं, मैंने पपीते की सब्जी पहले बहुत बार खाई है, लेकिन यहाँ बनाने में सादगी है वो तो गोज विदाउट सेइंग, लेकिन पपीते के स्वाद में फर्क है। बड़ा रसा इस सब्जी में है, मतलब ये वेरी वेरी टेस्टी। लो जी, आमट खाएंगे हम राइस के साथ। जिस हिसाब से आपने कहा था खट्टा होगा, वैसा खट्टा नहीं है, खट्टा तो बहुत हल्का है, लेकिन स्वाद जरूर मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है। और सबसे देखो यूनिक बात ये है कि चने और चावल दोनों रल मिल के स्वाद आ रहा है। आप सब स्कूल जाते हो? अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एट्थ? वाह, अच्छा सेवन्थ। आप भी सेवन्थ में पढ़ते हो? तीसरी में? कौन तीसरी में है? अच्छा सही है। धनुर्जय मेरे को ना नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी हेल्प कर दो। तो देखो भाई, ये आप सबके लिए कॉपी है, आप भी लो ड्राइंग करने के लिए, कुछ क्या बोलते हैं, चित्र बनाने के लिए। लो, किसको पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे ये बताओ, आप सब में, आपको मिला सबसे ज़्यादा पसंद किसको है पढ़ना? सबके हाथ खड़े हो गए? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने सबसे ज़्यादा पूछा और सबने ही हाथ खड़ा कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप सबको मिलके। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? तो पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई ज़रूर करना और करते रहना, ठीक है? आपके लिए भी, आप भी तो पढ़ाई करते हो ना? जी सर। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर ना अगर आप आके लोकल फूड एक्सपीरियंस करना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो मैंने सवाल पूछा कुछ देर पहले तो कन्फ्यूज ही हो गया कि क्या जवाब दूँ। फिर मैंने कहा मेरे को आराम से बताओ क्या है, तो मेरे को बोला कि ऐसा देखो कोई फिक्स जैसा नहीं है, लेकिन हर डिश का 50 रुपीस, तो वो डिपेंड करता है आप कितना डिश टेस्ट करना चाहते हो, ऐसा ही है ना? 50 रुपये, ठीक है। आपकी डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है। आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अभी हम नज़दीक में ही टेंपल जा रहे हैं, वहाँ पहुँच कर आपको ज्वाइन करेंगे। इस समय मैं नारायण पाल विष्णु मंदिर आया हूँ। ऐसा कहते हैं ये मंदिर 1000 बरस पुराना है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए जो आर्किटेक्चर आप सामने देख रहे हैं, ये कितना प्राचीन आर्किटेक्चर है। चलिए अंदर चल के भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, फिर आपको स्थान के बारे में कुछ जानकारी भी देंगे। मैं मंदिर के अंदर जाके भगवान विष्णु के दर्शन करके अभी बाहर की ओर आ चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए, आज से लगभग 1000 साल पहले चिंदक वंश की महारानी ने
इस मंदिर का निर्माण किया था। अंदर हमने एंशियंट स्ट्रक्चर्स देखे, जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो तो 11th सेंचुरी का है, मंडप के जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको 14th सेंचुरी में रेनोवेट किया गया, ऐसा हमें किसी ने बताया, क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर का गिर गया था फिर बाद में रेनोवेशन हुई। अंदर हमने एक बहुत बड़ी शिला देखी, इनफैक्ट दो शिला देखी, उन शिला पे देवनागरी लिपि में कुछ लिखा गया है। वहाँ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे को पता चलता है कि ये टेम्पल या ये लिखावट है ये कितने सेंचुरी पुरानी है। और एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर बनने से पहले भगवान शिव का मंदिर रहा होगा। आप ऊपर नोटिस करिए, मंदिर के टॉप में कलश है। तो आमतौर पर ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसा आर्किटेक्चर उड़ीसा में देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान गणपति के भी आप दर्शन कर सकते हैं इस जगह। अच्छा रहा हम यहाँ पर आए, हमने एंशियंट टेम्पल का आर्किटेक्चर देखा और भगवान विष्णु के दर्शन भी करें। चलिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ, आइए जी। टेम्पल विजिट के बाद हमारी धनुर्जय से दोबारा मुलाकात होगी। तो ऐसे बात कर रहे थे तो धनुर्जय ने बोला कि जो पेड़ से सेल्फी निकलती है ना वो आपको दिखा सकते हैं, सुबह भी देख सकते हो शाम को भी देख सकते हो, दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं क्योंकि दो बार निकाला जाता है ना। जी सर। तो अभी हम वही देखने के लिए ना इनके घर से कोई 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर आए हैं। ये पीछे सराउंडिंग्स देख लो जहाँ पर हम खड़े हैं। और धनुर्जय हम किस तरफ से जाएंगे, सामने से? आओ जी। थोड़ा सा हमें दिखाओ ना सेल्फी कैसे निकालते हैं। दिख रहा है तो सेल्फी का पेड़ कहाँ पर है? चाहिए सर। अच्छा, हम पेड़ के बगल में ही खड़े हैं। अच्छा, अभी मैं जो समझ रहा हूँ बात बताओ भाई, ये ठीक है? जैसे मान लो मटकी में इकट्ठा कर लिए सेल्फी को, तो मटकी को नीचे लेकर आएंगे या किसी बर्तन? हाँ, कुछ ना, बाल्टी लेके जाएंगे, उसको यहाँ भेजेंगे, उसमें सेल्फी डालेंगे, उसके बाद नीचे उतारेंगे। और ये सेल्फी पूरा साल निकलती है या महीने होते हैं इसके? कुछ नहीं सर, महीने होती है। हाँ, अरे बहुत गदर पहली शॉट में ऊपर। अच्छा, अब मैं समझा ना ये ऊपर कैसे जाने वाला है। अच्छा, वो मटकी से निकाल के उसमें डाल रहे हैं, जर्किन में डाल रहे हैं। ये देखो जी, डेमोस्ट्रेशन देने के लिए ये सेल्फी है जो पेड़ से ये निकाल कर लाए हैं। और मैं तो हैरान रह गया ये जानकर कि एक रात में इतनी बड़ी मटकी भर जाती है और ये चार महीने तक रोज चलता रहता है, इतना रस है इस पेड़ में। और ये कितनी पुरानी, मतलब एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे सेल्फी इस क्षेत्र में कितने सालों से हो रहा है? पीढ़ी पीढ़ी चलता है, दर पीढ़ी। अच्छा, ये बड़े पीढ़ी 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 दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हाँ, दर पीढ़ी है, अभी का नहीं, आजकल का नहीं, बनावट नहीं है। अच्छा जी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे मैं कितने ग्लास पी लूंगा तो मुझे लगेगा मुझे नशा हो रहा है? वैसे देखो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे कितने पी लूंगा तो? इसको नहीं पीदो, नहीं, अच्छा हल्का सा आएगा। है? हल्का ही नशा आएगा, बढ़िया हल्का सा आएगा, हल्का खट्टा है, हल्का कड़वा है, उतना ही है। और इसको अगर अपन 24 घंटे बाद पी सकते हैं, लेकिन नशा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अभी सारी बात और क्लियर हो गई है। ये जो बेसिकली हमने पिया, मैं समझ रहा था सल्फी का झाड़ है, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि ये छिंद का झाड़ है। छिंद का है, छिंद सल्फी बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सल्फी का झाड़ है वो अलग है। अलग है। और दोनों के टेस्ट में भी फर्क होता है। अच्छा, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक छिंद सल्फी होता है और एक केवल सल्फी होता है। जो हमने पिया वो छिंद सल्फी था। हाँ, और ये जो सामने झाड़ वो दिख रहा है वो है सल्फी का झाड़। अभी समय भी कितना, 6:30-7 बज चुके हैं और हम अपने रिजॉर्ट से लगभग 7 किलोमीटर दूर हैं अभी। ठीक है, अब बाहर कहाँ से जाएंगे? बाहर ही सर। किधर से? बाहर हम यहाँ से निकल जाएंगे और अब आपको हम रिजॉर्ट पहुँच के दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। आओ जी।
लौट कर वापस अभी मैं अपने रिजॉर्ट में आ चुका हूँ, रूम के मैं बाहर ही खड़ा हूँ। सुबह भी मैं यहीं पर खड़ा था जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, और वापस भी लौट कर इसी जगह खड़े होकर आपको बाय बाय करने वाला हूँ। कल के दिन की मैंने अभी प्लानिंग करी नहीं है कि कल मुझे कहाँ कहाँ जाना है, तो मैं थोड़ा सा अगले आधे घंटे में बैठता हूँ और कल के दिन की प्लानिंग करता हूँ। अगले 3 दिन हम बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, कल परसों और तरसों। ये जर्नी हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब आज सुबह से ही समझ लीजिए क्योंकि कल रात में हम आए, तब से ना एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है मुझे। डिफरेंट फीलिंग का मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब जब तक मैं छत्तीसगढ़ नहीं आया था तो थिंक ऑफ छत्तीसगढ़ तो आपके मन में क्या आता है, मेरे मन में सच बताऊँ तो कुछ नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है बड़ा अनएक्सप्लोर्ड स्टेट है। कोई एक डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा, एक पूरा ऐसा रीजन है जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है और लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है, और इंफ्रा इज़ वेरी मच इन प्लेस। इंफ्रा की तो कमी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। ठीक है जी, चलो अभी के लिए आपको बाय बाय कर रहा हूँ। आज का ये छोटा सा एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। कल के दिन की जर्नी मैं कोशिश करूँगा जल्दी शुरू करूँ। बाय बाय अगेन, थैंक्स फॉर योर टाइम।